माशाल्लाह आप कितनी प्यारी लग रही हैं। तो वैसे नहीं लगती मैं। नहीं लगती है, लेकिन आज मेकअप थोड़ा ज्यादा है ना इसलिए। क्या मेरा मतलब है कि आप तो मेकअप के बगैर भी प्यारी लगती हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ज्यादा मक्खन ना लगा, मुझे मेरी ईदी दो। ईदी? हाँ तो बड़े छोटों को ईदी देते हैं। लेकिन आप तो मेरी आंटी जैसी हैं। क्या बोला? मेरा मतलब है कि आप तो बच्चों की भी आंटी नहीं लगती, आप तो सबकी बाजी लगती हैं। ओ हेलो, मुझे सब पता ही, तुम क्या बोलते रहते हो। अच्छा आप गुस्सा ना करें, इस साल ना ईद पे बहुत मजा आएगा। वो क्यों? क्योंकि ना इस साल मौलवी साहब ने कहा है कि बड़े छोटों से ईदी लेंगे। जी नहीं, चलो जल्दी से मुझे मेरी ईदी दे दो। आपके पास इतने सारे पैसे हैं और मेरे पास बस का किराया नहीं है, तो ईदी तो आपको देनी चाहिए ना। एक्सक्यूजेस ना बनाओ, मुझे मेरी ईदी चाहिए। अच्छा देता हूँ, जरा खीर तो खाने दे। हाँ ठीक है। जेब में तो एक जवानी भी नहीं है, अब मैं ईदी कैसे दूंगा? मेरी ईदी अभी? वो टाइम देख के थोड़ी ना आता है। अच्छा मैं एक मिनट आया। इतने सारे पैसे हैं और ईदी फिर भी मैं दूं? बेगम। हाँ पता है मुझे, हर साल की तरह बोलोगे मेरे पास पैसे ही नहीं है, फिर एक तो नॉक नॉक जोक सुना दोगे और फिर बोलोगे अम्मी कहती है अम्मी कहती है। छोड़ो तुम, तुमसे ईदी मिलनी भी नहीं है। रुको, कितने अफसोस की बात है, अपने हस्बैंड पे इतना सा भी भरोसा नहीं है। ये लो ईदी। इतने सारे पैसे, ये क्या नकली नोट है? नहीं तो आपको ही ज्यादा पता होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है अम्मी कहती है हमेशा बीवी को ना खुश रखना चाहिए, जो मर्जी करना पड़े। शुक्र है तुम्हारी अम्मी ने भी मेरे लिए कोई अच्छी बात कर दी। आप ही के हैं क्या? मेरा मतलब है आप ही की वजह से आए हैं। आप कितने अच्छे हो, और मैं वैसे ही आपसे लड़ती।